सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत, आप देख रहे हो मूवीज इन। और आज हम बात करने वाले हैं सोनी पिक्चर्स के बारे में। ये क्यों बात करेंगे भाई, तो सोनी पिक्चर्स ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो स्पाइडरमैन की एक स्पिन ऑफ सीरीज बनाना चाहते हैं, जो कि हमें देखने को मिलेगी अमेजॉन प्राइम वीडियो पे। जी हाँ दोस्तों, तो ये कैसे क्या बन गया है वो सारी चीज़ें जानेंगे, जो कि बताई जा रही है स्पाइडरमैन यूनिवर्स की पूरी पूरी स्पिन ऑफ सीरीज, जिस कैरेक्टर का नाम है सिल्क। इस कैरेक्टर के ऊपर पूरी पूरी ये बनाई जा रही है, जो कि स्पाइडरमैन का एक फीमेल वर्जन है सिल्क नाम से, जिसका नाम होता है सिंडी मून। जी हाँ दोस्तों, तो आज इस कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, जो कि स्पाइडरमैन का एक एक्चुअल में अपग्रेड वर्जन है या फिर अच्छा वाला वर्जन है, जो कि थोड़े बहुत ज़्यादा पावर से लेस है, वो हमारे सामने आई है। तो ये सिंडी मून के बारे में हम आज जानेंगे कि एक्चुअल में इसकी ओरिजिन कैसी है और ये कैसे क्या इस यूनिवर्स में बिलोंग करती है, पूरे पूरे स्पाइडरमैन के मल्टीवर्स में। तो चलिए आज हम देखते हैं सिंडी मून की, यानी हमारी सिल्क की पूरी पूरी ओरिजिन। तो लेट्स बिगिन। इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था द अमेजिंग स्पाइडरमैन के वॉल्यूम 3 के इशू 1 में, जो कि आई थी 2014 में। जी हाँ दोस्तों, यानी अभी की लगभग कुछ साल पहले की ही ये पूरी पूरी कॉमिक्स है। ये एजेंट रह चुकी है स्पाइडरमैन आर्मी की और साथ ही साथ एजेंट ऑफ एटलस की, इनकी पूरी पूरी ये एजेंट रह चुकी है। जब सिंडी मून बच्ची थी तो उसके माता पिता को पता चल गया था कि उसके पास एडिटिक मेमोरी जैसी कुछ पावर भी है। सिंडी की माँ चाहती थी कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे, पर सिंडी का ध्यान तो अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड के साथ, जो कि हेक्टर कार्टवेज है, उसके साथ हॉकी टीम में ज्वाइन हो चुकी थी, वहाँ पे खेल रही थी। जैसे ही उसको माँ को ये सारी बातें पता चली तो उन्होंने उसे जनरल टेक्नोट्रॉनिक्स के स्कूल फील्ड की ट्रिप पर भेज दिया और उसे मजबूर करने के लिए छोड़ दिया कि भाई मजबूरी से तुम्हें जाना ही पड़ेगा, जिस वजह से सिडनी माँ से नफरत भी करने लगी थी। जैसे ही ये सारे लोग, जी हाँ दोस्तों, ये सारे लोग यानी कौन, तो पीटर के स्कूल के सारे मेंबर्स, जी हाँ दोस्तों, उसमें ये सिंडी मून भी पूरी पूरी बिलोंग करती है, जो कि स्पाइडरमैन मूवीज़ में हमें नहीं देखने को मिलती है। जो भी लोग बोल रहे हैं कि ये ही सिंडी मून है, जी हाँ दोस्तों, वो नहीं है, ये एक्चुअल में हमारे पूरे मूवीज़ में नहीं दिखाई गई है अभी तक, आगे जाके देखने को मिलेगी। तो ये पूरी पूरी सारे लोग ये पहुंच चुके हैं उस जगह पे, उस लाइब्रेरी में, जहाँ पे ये सारे लोग देख रहे हैं, जहाँ पे पीटर पार्कर को एक मकड़ी आके काट जाती है। वही मकड़ी गिरने के बाद सिंडी मून के एंकल को काट लेती है और ऐसे ही ये बन जाती है पूरी पूरी, इसके पास जितने भी स्पाइडरमैन के पास, यानी हमारे पीटर पार्कर के पास पावर्स आ जाती है, उसी तरह से सेम पावर सिंडी मून के पास आ जाती है। बट सिंडी मून को अपनी शक्तियों के बारे में तब पता चलता है जब उसके माँ बाप को वो वेब शूटर से, यानी उसके जो वेब्स है उससे जकड़ लेती है, तब उसे ये बात पता चलती है। तभी वहाँ एक्लेज सिम्स नाम का एक व्यक्ति आता है, जो सिंडी को ट्रेनिंग ले करता है, पूरा पूरा ट्रेन करता है और लगभग वो सारी चीज़ें उसको सिखा ही देता है। पर ट्रेनिंग होने के बाद उसे यह पता चलता है कि एक प्रीडेटर मोरोलिन उसे ट्रैक कर रहा है, जो उसे मारना भी चाहता है और उसकी पावर्स का यूज़ भी करना चाहता है। तो सिंडी को ये बात पता होने के बाद, और इसे पता होने के बाद सिंडी को एक तहखाने के अंदर, उसी टावर के अंदर लॉक कर दिया जाता है, जो उसे ढूंढ ना सके इस वजह से, जिसके अंदर सालों के फूड पड़े हैं, यानी बहुत सालों तक वो खा पी सकती है। वहाँ पर बुक्स पड़े हैं, वहाँ पर टेप्स पड़ी है, जिसे देख कर पढ़ कर वो बाहर की दुनिया का अंदाज़ा ले सके, उसे जान सके। इस तरह से सिडनी वहाँ पर हर दिन ये चीज़ें आए दिन करती ही रहती है। वो किसी भी टाइम वहाँ से बाहर निकल सकती थी, क्योंकि उसके पास वहाँ का कोड भी था और उसे पता भी था। बट उसे ये सारा प्रलय, और अगर वो हमला करने आ जाएगा तो क्या क्या चीज़ें सहनी पड़ेगी उसे भी और इस यूनिवर्स को भी, इस वजह से वो बाहर ही नहीं निकलती थी, क्योंकि ऐसा होना ही नहीं चाहती थी। तो इस वजह से तो 13 साल तक सिडनी उसी जगह में बंद रही, जब तक पीटर पार्कर उधर आके सुपर हीरो बन चुका था इधर 13 साल के बाद, और हमारा सुपर हीरो स्पाइडरमैन बन चुका था पीटर पार्कर। तब सपने में पीटर को सिंडी की बातें पता चली और सिंडी को वो छुड़ाने गया। तब सिंडी ने पीटर पर हमला भी किया। तब जो उन दोनों के बीच में फाइट्स हुई, तो जब हमारा पीटर पार्कर उस पर हमला कर रहा था, तो उसके जो स्पाइडर सेंस है वो इतने ज़्यादा लाजवाब थे कि वो हर एक मुँह को बीट करते जा रही थी हमारे पीटर पार्कर के।
तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये बात पता चलती है कि हमारे स्पाइडरमैन से सिडनी मून की जो सेंसेस है, जो स्पाइडर टिंकल्स है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, ऐसा हमें यहाँ पे पता चलता है। फिर उन दोनों के बीच में सुलह होने के बाद स्पाइडरमैन उसे बताता है कि भाई वो जो तुम्हें मारने आने वाला था मोरुलुन, वो जो एक्चुअल में बहुत सालों पहले ही मर चुका है, वो तो अभी है ही नहीं जिंदा। तो सिडनी ये बात सुन के खुश हो जाती है, अब मैं बाहर जा सकती हूँ, घूम सकती हूँ फ्रीली, मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो ऐसे ही वो उसके जो स्पाइडर्स है, उसके जो पूरे पूरे वेब्स हैं, वो निकाल के एक कॉस्ट्यूम बना लेती है। उसके फिंगर से एक्चुअल में वेब्स निकलते हैं, जिस तरह से हमारे स्पाइडरमैन से एंकल से निकलते हैं, सॉरी रिस्ट से निकलते हैं, वैसे ही इसके फिंगर से, सारे फिंगर से इसके स्पाइडर्स जाले निकलते हैं, मकड़ी जाले। और इसी वे में उसने एक कॉस्ट्यूम बना लिया और स्पाइडरमैन को कह दिया कि हाँ अभी मुझे तुम सिल्क बुलाओ, मैं अभी सिडनी मून नहीं हूँ, मुझे तुम सिल्क नाम दो। तब इसका नाम पड़ चुका है सिल्क। और ये दोनों मिलके जाते हैं इसके माँ बाप को ढूंढने के लिए, ताकि ये सिडनी इतने सालों तक अंदर कैद थी तो वो मिल सके उसके माता पिता को। जहाँ पे जाने के बाद सिडनी को ये बात पता चलती है कि अभी उसके माता पिता वहाँ रहते ही नहीं है, वहाँ से चले गए हैं। तो तब स्पाइडरमैन दिलासा देने के लिए या उसकी मदद करने के लिए उसको बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा तुम्हारे माता पिता को ढूंढने के लिए। तभी इन दोनों के जो सीन्स है, टिंकल्स है, स्पाइडर टिंकल्स, वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग वे में चेंज होते रहते हैं और एक दूसरे के तरफ इन दोनों को अट्रैक्ट करते हैं, जिस वजह से सिडनी स्पाइडरमैन का एक मुखौटा ऊपर करती है और किस ले लेती है। इन दोनों के बीच में एक किस हो जाता है, जहाँ पे दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके हैं। अब उसने फिर आगे जाके स्पाइडरमैन की हेल्प भी की, जो कि इलेक्ट्रॉन और ब्लैक कैट को पकड़ने के लिए भी था। सिडनी आगे जाके एक फैक्ट चैनल भी ज्वाइन किया, जिसकी वजह से वो उसके माँ बाप को भी ढूंढ पाई थी। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से ये सिडनी मून बिलोंग करती है इस पूरे पूरे मार्वल के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में। जिस तरह से इसमें हमें सीरीज में ये सारी चीज़ें पता चलेगी, वो आगे जाके बहुत सारी चीज़ें भी करती है, बहुत सारी जगह पे वो दिखी है, मल्टीवर्स का हिस्सा रह चुकी है, जो स्पाइडरवर्स का स्पाइडरवर्स है उसका भी हिस्सा रह चुकी है। बहुत सारे टाइम पीरियड में ये स्पाइडरमैन की मदद करते हुए आई है और इसके स्पाइडर सेंस इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि ये किसी भी मल्टीवर्स में कहीं पे भी रहे हमारा स्पाइडरमैन उसे ढूंढ सकती है। इस तरह से इसके टिंकल्स काम करते हैं। इसके पास, अभी पावर्स के बारे में बात करते हैं, इसके पास है सुपर रिफ्लेक्स है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, ड्यूरेबिलिटी है, ये फास्ट भाग सकती है। इसके जो स्पाइडर्स यानी जाले जो निकलते हैं इसके पूरे पूरे फिंगर से, उससे वो कुछ भी चीज़ें बना सकती है, एक तरह से उल्वरिन के जैसे क्लॉज भी बना के उसका यूज़ कर सकती है। और इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सेंस है, जो कि उसके स्पाइडर टिंकल्स है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इतने ज़्यादा स्ट्रांग है कि ये हर एक किसी को भी बीट करते हुए हमें नज़र आती है। इस तरह से बहुत ज़्यादा पावर्स है इसके पास, इसके पास एबिलिटी भी है बहुत अच्छी अच्छी, इस वजह से ये स्पाइडरमैन से थोड़ी बहुत ऊँची नज़र आती है। तो अब देखना यह होगा कि जब सोनी पिक्चर्स इस पर पूरी पूरी टीवी सीरीज बनाएगा, जो कि हमें अमेजॉन प्राइम पे देखने को मिलेगी, तो वो किस वे में हमारे सामने प्रेजेंट होगा, ये भी देखने लायक एक चीज़ रहेगी। इस कैरेक्टर के बारे में और कुछ फैक्ट्स पता है आपको, और कुछ चीज़ें पता है, तो मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हो। लाइक भी कर दो इस वीडियो को, शेयर भी कर दो अपने मार्वल के फैंस के साथ, क्योंकि उनको भी ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें और अमेजिंग थिंग्स देखने का हक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो आप शेयर कर देना उनको ये सारी बातें, उनको भी पता चले कि भाई ये कैरेक्टर बिलोंग करता है मार्वल में। तो और क्या कहना है, वो सारी चीज़ें आप नीचे कमेंट करके बता दो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो मूवीज इन चैनल को, क्योंकि हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़।